अब हम स्वर अक्षरों को उदाहरण के साथ देखते हैं। ये है अ, अ से अनार। अनार खाने में अच्छा लगता है ना? आ, आ से आम। आम जो है सबको अच्छा लगता है, खाने में मीठा होता है। ई, ई से इमली। इमली बहुत खट्टी होती है। ई, ई से ईख। ईख जो होता है उससे जानते हो बच्चों, शक्कर बनती है। इसके बाद उ, छोटा उ। उसे उल्लू। उल्लू रात को देखता है। ऊ, उसे ऊन। ऊन से बुनाई करते हैं। सर्दी में पहनने में स्वेटर अच्छा लगता है ना, ऊन से बनता है। रू, रू से ऋषि। हमारे देश में बहुत सारे ऋषि मुनि हुआ करते थे। ए, ए से एक। उसके बाद ए, ए से ऐनक। ऐनक यानी चश्मा। ये है ओ, ओ यानी ओखली। ओखली में बहुत कुछ पीसा जा सकता है। ओ के बाद ओ, ओ यानी औरत। औरत जो होती है माँ होती है, बहन होती है ना? अम या अंग। अंग से अंगूर। अंगूर यदि मीठे हो तो अच्छे लगते हैं। और इसके बाद स्वर अक्षर का आखिरी अक्षर है आहा।